In this video, we will make landscape drawing. So start with slanting line, opposite slanting line, sloping line, then slant, standing line, then one more slanting line for second house. We are making two house here. To just follow lines. Now we are going to make one tree. Curve, then this is leaf of banana, the banana tree. तो हमने यहाँ पर एक और ट्री बना दिया. हम यहाँ पर दो ट्रीज बना रहे हैं. पीछे वाले छोटे इसलिए क्योंकि वो दूर है और ये पास वाले थोड़े बड़े रहेंगे. हमने इसमें क्या करा, कर्व एंड ज़िगज़ैग लाइंस से इसके लीव्स बनाई. इसका तना बन गया. अब हम इसमें करेंगे कलरिंग. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइट ब्लू कलर कर देते हैं फॉर स्काई. फिर यहाँ पर येलो कलर. आपको कलर एकदम आराम से करना है. मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं स्लो करूँगा. तो आपको बिल्कुल आराम से कलरिंग करना है. बस प्रोसेस देख लीजिए. ठीक है, अब इसको मैंने क्लॉथ से पूरा स्मच कर दिया, मिक्स कर दिया सभी कलर्स को. बीच में हमने सन बनाया. इसमें ऑरेंज, वाइट, येलो तीनों टोन इसमें हमने कर दिए. बना देते हैं. इसमें भी आप देखेंगे, ध्यान से देखो पूरे कर्व से. आपको वीडियो बहुत केयरफुली, बहुत आराम से देखना है, धीरे धीरे पहले देर सुबह ड्रॉ करना है. अभी देखो हम यहाँ पर इसमें ग्रीन कलर कर देते हैं केले की पत्तियों में. यहाँ लाइट ग्रीन कलर कर दिया हमने. थोड़े से यहाँ पे येलो कलर से मिक्स कर देते हैं इसको. जो पोर्शन है पूरा लैंड उसको हम ग्रीन कर देते हैं पूरा लाइट ग्रीन से. अब नारियल के पेड़ में हम उसके तने में कलर कर देते हैं. थोड़ा सा हमने लाइट ग्रीन लिया, थोड़ा सा डार्क ग्रीन लिया. इस तरह सबको मिक्स करके उसकी पत्तियों में कलर कर रहे हैं. आपको बिल्कुल आराम से फिनिशिंग से कलर करना है. लैंडस्केप में आप कुछ भी बना सकते हो, नदी, पहाड़, झरने, हाउस, गार्डन, कुछ भी चीज ले सकते हो आप. अभी बीच में है नदी, ठीक है, रिवर है.
उस पे कलर कर देते हैं। जो घर की छत है इसमें हम ब्राउन कलर कर रहे हैं। आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगता है। हम जो कलर लैंडस्केप बना रहे हो पूरा कलरफुल होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, मिडग्राउंड। मैं यहाँ पर जो कलर चूज किए हैं आप सेम भी लग सकते हैं, या फिर आपको कोई दूसरा कलर करना होता वो चूज कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे हम लाइट ग्रीन कलर कर देते हैं, पूरा हो गया ग्रास। इस लैंडस्केप में ग्रीन येलो कलर्स हमने ज़्यादा यूज़ किए हैं, इसलिए क्योंकि पीछे नदी है यहाँ पर और पास में पानी की वजह से यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पूरी लैंडस्केप में ग्रीन कलर ज़्यादा है, ग्रीन येलो। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लैंडस्केप बनाना है। आपकी खुद की न्यू डिजाइन भी बना सकते हैं आप, और आपको अच्छे से कलरिंग करना है। यहाँ पर थोड़ा सा नदी खाली दिख रही है, हम इसमें एक छोटी सी नाव बना देते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।